सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की। जो 3 कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एंड द फोर्थ वन इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड एज द नेम सजेस्टेड, हियर विल यूज द सम केमिकल्स एंड सम सब्सटेंसेस विच विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। देखिए, केमिकल मेथड में क्या है कि फर्स्ट वन इज स्पर्मिसाइडल जेलीज। स्पर्मिसाइडल मीन्स स्पर्म किलिंग केमिकल्स आर यूज हेयर बाय द फीमेल्स सो दैट द स्पर्म के नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या है कि केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा ताकि जो स्पर्म है वो किल हो जाए और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जो है वो एग तक ना पहुँचे। इसे कहा जाता है स्पर्मिसाइडल जेलीज, जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इज लैक्टिक एसिड। इस केमिकल में लैक्टिक एसिड हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो केमिकल्स हैं ये यूज़ किया जाते हैं एज ए स्पर्मिसाइडल, मीन्स स्पर्म किलिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वन इज हॉर्मोन्स और हॉर्मोनल पिल। हॉर्मोनल पिल्स को एक्चुअली मल्टीमिक्स पिल्स भी कहा जाता है और मल्टी हॉर्मोनल पिल्स भी कहा जाता है। ये क्यों है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन पिल्स इनको बोला जाता है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ किया, 2 या 3 हॉर्मोन्स का जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। या फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। कॉम्बिनेशन पिल्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि 2 से 3 हार्मोन का जो कॉम्बिनेशन की ये पिल्स होती हैं। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई होता है तो उस टाइम पर FSH और एंड LH का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओवुलेशन नहीं हो पाएगा और ओवुलेशन नहीं होगा तो एग नहीं रिलीज होगा, तो फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। तो दिस इज़ द हार्मोनल पिल्स। इनको क्या किया जाता है कि हार्मोन्स को एक पर्टिकुलर डोज में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हार्मोनल पिल्स जो आजकल आती हैं वो है, एग्जांपल इज मालाडी एंड सहेली। ये क्या है कि एक पर्टिकुलर डे और डायरेक्शंस और डोज के अकॉर्डिंग जो है ये पिल्स बनाई गई हैं। कि क्या होता है कि डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 28 डेज तक पूरे मंथ का जो है ये एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो पिल्स हैं वो बनाई गई हैं डे के अकॉर्डिंग। एक दिन भी स्किप नहीं करना होता है। ये क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो वो हार्मोन्स हम सप्लाई कर रहे हैं, वो हार्मोन्स क्या है, स्टीरोइड हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, जो कि क्या करवाता है कि हमारी बॉडी में LH और FSH का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होगा और जो फीमेल हार्मोन गैमेट जो है वो रिलीज नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इस तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होगी। और दूसरा है सहेली। सहेली जो है ये भी एक हार्मोनल पिल ही है। इसका भी जो शेड्यूल वही रहता है कि ये भी पूरा मंथ 21 डेज के लिए ही डिज़ाइन होती है। तो यहाँ पर ये क्या है कि नॉन स्टीरोइड हार्मोन होता है। यहाँ पर जो यूज़ केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं हार्मोन्स के लिए वो नॉन स्टीरोइड होते हैं। तो दिस इज़ नॉन स्टीरोइडल पिल, और ये मालाडी जो है वो स्टीरोइडल पिल होती है। और नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट एक स्ट्रिप लाइक जो है
एक डिवाइस होती है जो कि अंडर स्किन जो है इम्प्लांट की जाती है, उसका फंक्शन भी सेम ही रहता है, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करवाना। जैसे कि ये जो पिल्स हैं इसको हम ऑरली खाते हैं तो जो हॉर्मोन्स है वो हमारी बॉडी में रहता है, रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। लेकिन जो ये इम्प्लांट्स है ये क्या है कि एक स्ट्रिप का तरह का जो होता है डिवाइस होता है जिसको अंडर स्किन जो है वो इम्प्लांट किया जाता है और ये हमारी बॉडी में फिर जो है हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। इसी तरीके से ये क्या है ऑरली खा, और ये जो इम्प्लांट है इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है। लेकिन जो ये टैबलेट वाला जो है ये पर डे के हिसाब से होता है कि एक दिन भी स्किप नहीं करना होता है, क्योंकि जो जो डोज है उसमें सिर्फ वन डे हार्मोन सप्लाई का ही मतलब डोज रहता है। इस तरीके से तो द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लांट एंड पिल इज दैट द इम्प्लांट इज फॉर द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है इम्प्लांट को, कि लॉन्ग टर्म तक ये हमारी बॉडी को हार्मोन सप्लाई करेगा, और जो पिल्स हैं वो पर डे के हिसाब से डिजाइन होती है। सो दीज आर द हार्मोनल पिल्स विच कैन बी यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और वी कैन सी अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड एक्चुअली मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। देखिए जो मेल के लिए जो सर्जिकल मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है, वॉस डिफरेंस जो कि स्पर्म लेकर आता है टेस्टिस से, वॉस डिफरेंस जो है पेनिस में जाकर जो यूरेथ्रा है उसको ज्वाइन कर लेता है, तो जो वास डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है और लाइगेट कर दिया जाता है, मतलब टाई अप कर दिया जाता है कि जो ट्यूब है वो सीम जो स्पर्म है वो उस टेस्टिस से नहीं लेकर आएगी तो इजेकुलेशन ही नहीं होगा स्पर्म का वजाइना में। तो ये है एक सर्जिकल मेथड होता है, इसमें कट की जाती है वास डिफरेंस को और उसको फिर टाई अप कर दिया जाता है। तो दिस इज कट एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस। और फीमेल में भी वही होता है कि फीमेल में फिलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और लाइगेट किया जाता है, बांध दिया जाता है फिलोपियन ट्यूब को कट करके, ताकि जो एग है वो फिलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ मूव ना करे जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो क्या है कि स्पर्म और एग मिल ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होता है कट एंड लाइगेशन ऑफ फिलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर मेल के केस में वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है और टाई किया जाता है, और फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाई किया जाता है। इसीलिए जो टर्म्स हैं सर्जिकल मेथड के वो दोनों के लिए अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेल के लिए जो वर्ड टर्म यूज किया जाता है सर्जिकल मेथड के लिए वो है वेसिक्टोमी। एंड फीमेल के लिए यूज किया जाता है ट्यूबिक्टोमी। ये परमानेंट मेथड ही होता है, लेकिन क्या है कि अगर किसी सिचुएशन में मेल या फीमेल को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने का अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि नीड होती है रिप्रोड्यूस करने की, तो ये जो है दोबारा भी रीजॉइन हो सकती है ट्यूब्स, लॉस डिफरेंस भी और फिलोपियन ट्यूब भी। लेकिन ये सर्जिकल मेथड होता है, इसमें फिलोपियन ट्यूब को और वास डिफरेंस को कट किया जाता है और फिर उसको बांध दिया जाता है, टाइप कर दिया जाता है, ताकि वास डिफरेंस से स्पर्म ना कैरी किया जाए और फिलोपियन ट्यूब जो है वो एग कैरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो रास्ता है पाथ है वो ब्लॉक कर दिया जाता है बाय टाइंग अप विद द थ्रेड। दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है कि ऐसा मेथड जो हम जिसको हम आइडियल बोलेंगे फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। फर्स्ट वन, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज नो साइड इफेक्ट्स। थर्ड वन इज इफेक्टिव, कि जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, जो भी
प्रिवेंशन हम ले रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर हम किसी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो। तो फोर्थ वन इज़ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर किसी केसेस में जो प्रेगनेंसी अगर मतलब चाहते हैं तो क्या है कि वो जो मेथड हमने यूज़ किया है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है उस वो रिवर्स हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया परमानेंट हो गया वो कभी फिर बाद में प्रेगनेंसी अटेन कर ही नहीं सकती फीमेल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज़ कर रहे हैं वो रिवर्सिबल होने चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ऑफ इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए इसके। नो साइड इफ़ेक्ट कि फॉर एग्जांपल कोई स्टीरोइड हॉर्मोन्स वगैरह जो ये पिल्स यूज़ करते हैं, स्टीरोइड जो भी पिल्स होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो मतलब क्या है कि लेस साइड इफ़ेक्ट वाला जो मेथड जो है वो होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहेंगे। और इजीली अवेलेबल कोई भी पिल है या फिर कोई भी बैरियर है या कोई भी डिवाइस है इंट्रा यूटराइन डिवाइस है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।